तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के सारे नेम रिएक्शंस के बारे में, और इतने अमेजिंग ट्रिक्स देने वाला हूँ, आपको मजा आ जाएगा, राइट? जिंदगी में आप नहीं भूलोगे ये सारे नेम रिएक्शंस। अल्कोहल में कोई नेम रिएक्शन एज सच नहीं है, बट एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। वो हम एट दी एंड डिस्कस करेंगे, उसका डिटेल वीडियो तो बना दिया है बट मैं शॉर्ट में भी आपको बताऊंगा। तो हम फिनॉल से शुरू करते हैं। तो फिनॉल के प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स पहला रिएक्शन है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस किससे बनता है फिनॉल यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन से। किससे? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में आप क्या डालोगे? NaOH। सो व्हाट इज गोना हैपन नाउ? अभी देखिए NaOH में क्या है, OH- इज द न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली तो नहीं होता है, बट जबरदस्ती करवा सकते हैं। जबरदस्ती बोले तो ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर लेके। तो यहाँ पे टेम्परेचर ले लेता हूँ 613 और यहाँ पे 300 ATM, 300 Kelvin एंड 300 ATM इज द प्रेशर। बात समझ में आ रही है? चलिए तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा आपको O- को बोलते हैं फिनॉक्साइड, और Na+ डाल दिया तो क्या नाम है इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। बट सर ये तो फिनॉल नहीं है। यस फिनॉल नहीं है। आप क्या करो नेक्स्ट स्टेप में O- Na+, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट HCl आया, वापस से नेक्स्ट स्टेप में आप HCl के साथ अच्छे से इसको ट्रीट करिए, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? OH मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल गया? NaCl। बात समझ में आ गई? सो दिस इज योर फिनॉल। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रेशर है ये बच्चा भूल जाता है, इसको कैसे याद रखें? सर कितने सारे टेम्परेचर प्रेशर है, कैसे कैसे याद रखें हम? तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, डाउ। डाउ कौन है? डाउ अपना भाऊ है। भाऊ का मतलब ब्रदर, ऑलराइट? महाराष्ट्र में भाऊ मतलब ब्रदर होता है। चलो बहुत बढ़िया। सो भाऊ को आप नाराज करोगे क्या? बिल्कुल नहीं, अपना भाऊ है यार, कैसे नाराज करेंगे उसको? तो भाऊ को क्या बोलेगा? भाऊ 613 300 मेरा। किस तरीके से बोलोगे? 613 300 मेरा, इस तरीके से याद रखना है। डबल तू रख, 600 तू रख, मुझे सिर्फ 300 दे। तो जब भी डाउ आया, डाउ मतलब अपना भाऊ, तो क्या बोलने का? 613 300 मेरा। कुछ कुछ किताबों में 623 भी दिया है, 10 Kelvin का फर्क है, बट आप याद रखें कुछ किताबों में 613 दिया होगा, किस में 623 दिया होगा, बट एटलीस्ट जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ उसे आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। डन। दूसरा जो प्रोसेस है इसी के जैसा है, नाम है रास्चिक प्रोसेस। क्या है इसमें भी? क्लोरोबेंजीन लेना है, क्लोरोबेंजीन H2O लेना है, बट गैस फॉर्म में लेना है, मतलब आपको स्टीम लेना है। यहाँ पर कैटलिस्ट आप क्या ले सकते हो? आपके हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ट्वाइस, या फिर आप ले सकते हो सिलिका भी ले सकते हो SiO2। तापमान है 698 Kelvin, 700 से 2 Kelvin लेस। क्या होगा यहाँ पर? डायरेक्टली आपको मिलेगा क्या? यहाँ पे फिनॉल मिलेगा, यू विल हैव OH प्लस द बाई प्रोडक्ट इज HCl। डन। तो कैसे याद रखें इसको? कैसे याद रखें? लेट्स से आपने स्टीम बात लिया। क्या लिया? स्टीम बात लेते ना लोग, स्टीम बात लिया। तो स्टीम बात लेने के बाद आपको मस्त फील हुआ तो क्या बोलोगे? एकदम रैप्चिक लग रहा है। रैप्चिक मतलब क्या? एकदम मस्त, रिलैक्स्ड, मस्त फीलिंग आ रही है, राइट? तो स्टीम बात आया, स्टीम जब भी आया तो रैप्चिक। स्टीम बात लेने से क्या है? हेल्थ अच्छा रहता है, ऐसे आपको हड्डियों को भी आराम, जोड़ों में जो दर्द था उसको भी आराम मिल गया। याद रखो कैल्शियम फॉस्फेट, तो सिली चीज़ें हैं बट जिससे आपको याद हो जाएगा। तो स्टीम जब भी आया या रैप्चिक जब भी आया तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो दो रिएक्शन है, इसके बाद भी और भी अमेजिंग रिएक्शन है, नोट डाउन करो इसको। फोर्थ डिस्कस करते हैं, बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन है, कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन या कोलबेज सिंथेसिस भी बोल सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? सो व्हाट यू हैव इज नाउ, दिस इज बेसिकली रिएक्शन ऑफ फिनॉल, दिस इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ये है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में। OH है, आप इसके अंदर डाल दो NaOH, ये तो देखा देखा लगे। NaOH डालोगे तो क्या मिलता है? O- Na+ फिनॉक्साइड मिलेगा। यहाँ पे टेम्परेचर यूज करोगे आप, हीट करोगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको कार्बन डाइऑक्साइड डालना है एंड उसके बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस कर देना है। सो व्हाट हैपेंस यहाँ पे मैं H2O लिख देता हूँ। तो होता क्या है, ये जो ONA है वो तो OH बन जाएगा, प्लस एज वेल एज सिंस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, यहाँ पे बन जाता है COOH, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। इसके फेस वॉश भी आते हैं, बहुत ही अमेजिंग। जिसका ऑयली फेस होता है उनके लिए डॉक्टर्स यही रिकमेंड करते हैं, इनफैक्ट इवन आई यूज दिस फेस वॉश, है ना? सो ये तो हो गया रिएक्शन। अब कैसे याद रखें? कोलबे रिएक्शन में क्या आता है? COOH कोच आता है,
तो कभी भी कॉल बे, या हम लोग बोलते हैं ना कौन बे, फोन पे, हाँ कौन बे, मुंबई में थोड़ा सा दादागिरी से बोलते हैं कई बार हम लोग, भाईगिरी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं। सो कौन बे तो क्या बोलने का, कोच, क्या बोलने का, कोच। तो इस तरीके से याद रखो, बड़ी सिली सी चीज है बट ऐसे याद रह जाता है। फिफ्थ हम बात करेंगे रेमर टाइम एंड रिएक्शन। दो दोस्त थे रेमर टाइम, क्या है ये रिएक्शन। सो यू हैव फिनॉल हियर, फर्स्ट स्टेप में आप डालते हो CHCl3। व्हाट इज CHCl3? क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। सेकंड स्टेप में क्या करोगे? अगेन एसिड हाइड्रोलिसिस। सो व्हाट हैपेंस, यहां पर आपको OH के बाजू में ऑर्थो पोजीशन पे आपको मिलता है CHO एल्डिहाइड ग्रुप। ये क्या है? सैलिसिलिक एसिड जैसा दिख रहा है ना, तो सैलिसिल एक एसिड के बदले क्या लिखूंगा? एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। डन। पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है बट दैट इज अ माइनर प्रोडक्ट दोनों केस में। डन। अच्छा कैसे याद रखें? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कौन यूज करता है? एज एन एनेस्थेसिया यूज करते थे पहले, अभी तो ईथर यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म किडनैपिंग के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से याद रखो, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू द साइंटिस्ट, टू द केमिस्ट, रेमर टेमिन जो है किडनैपिंग के लिए क्या यूज करते थे? क्लोरोफॉर्म यूज करते थे। इसलिए दुनिया उनको क्या बोलती थी? CHO। यस, वही चो जो आप अपने दोस्तों को बोलते हो और आपके दोस्त आपको बोलते हैं। राइट। मैं आपको पूरा पूरा वर्ड मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं टीचर हूँ, मुझे आपके सामने सभ्य बनना है, बहुत ही डिसेंट बनना है ना, पर पता है हमें सब कुछ होता है ना, तो ऐसा मैंने सर बहुत भोले होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब पता है, हम भी कॉलेज में जा चुके हैं। CHO तो रेमर टेमेंट जब भी आया है तो क्या यूज करते हैं लोग? क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं और दुनिया उनको क्या बोलती है? चो बोलती है। राइट। इस तरीके से आप याद रखो। तो कौन में बोला तो क्या? कोच। और रेमर टेमेंट आया तो चो। डन। तो आप इसको नोट डाउन करें। एक काम करते हैं इसी के साथ साथ, सिक्स्थ हम लोग बात कर लेते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस। क्या है यहाँ पे? वी हैव RX हियर, अल्काइल हैलाइड, प्लस RONA, प्लस माइनस सोडियम एल्कोक्साइड। एरो के ऊपर ड्राई इथर ले लीजिए, देन व्हाट हैपेंस, मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ भाग जाएगा, तो बनेगा आपको ROR। क्या बन रहा है यहाँ पे? इथर बन रहा है ना, सो ये बेसिकली इथर का प्रिपरेशन रिएक्शन है, प्लस बाई प्रोडक्ट मिला क्या? NaX। इस तरीके से आपको बताऊंगा विलियमसन, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये क्या है? RX। RX क्या है? अल्काइल हैलाइड। ये क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। अगर मैंने इंस्टेड ऑफ RX आपको कोई ROH दिया, अल्कोहल दिया, तो उससे आप RX बना सकते हो ना, SOCl2 डाल दो या HX डाल दो। अगर इंस्टेड ऑफ गिविंग RONA मैंने आपको अल्कोहल दिया, तो आप सोडियम डाल सकते हो, NaCl नहीं डालना। अल्कोहल NaCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। ऐसा अगर होता तो जो भी अल्कोहल पीते हैं उनकी तो वाट लग जाती, क्योंकि अल्कोहल के साथ जो स्नैक्स खाते हैं जिसको हम चकना बोलते हैं उसमें नमक होता है ना, दोनों रिएक्ट कर लेते हैं, वाट लग जाती है उनकी। तो इसका मतलब क्या है? कॉमन सेंस है कि अल्कोहल के साथ नमक रिएक्ट नहीं करता है, तो सोडियम डाल के आप सोडियम एल्कोक्साइड बना सकते हो। अभी विलियमसन, विलियम का बेटा। RX को क्या बोलोगे? राक्षस। क्या बोलोगे? राक्षस। और ईथर को क्या बोलोगे? इधर उधर। क्या बोलोगे? इधर उधर। तो देखो कैसे याद रखें, विलियमसन विलियम का बेटा राक्षस की तरह इधर उधर भाग रहा है। इधर उधर मतलब एरो के वो साइड में चला गया। वो विलियम का बेटा राक्षस की तरह इधर उधर भाग रहा है, ये देख के विलियम को रोना आ रहा है। RONA रोना। विलियम का बेटा राक्षस की तरह इधर उधर भाग रहा है, ये देख के विलियम को रोना आ रहा है। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ऐसे याद रखो, विलियम का बेटा राक्षस की तरह इधर उधर भाग रहा है, ये देख के विलियम को रोना आ रहा है। डन एंड डस्टेड। क्लियर। अब यहां पर एक रिएक्शन मैं आपको करके बताता हूं। यहां पर Cl है एंड कंपाउंड कुछ इस तरीके से है, यहां पे OH दे दिया और एरो के ऊपर आपको दिया है Na। Na किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? ये H के साथ रिएक्ट कर सकता है। सो यू विल गेट अ कंपाउंड समथिंग लाइक दिस, O माइनस Na प्लस। बराबर। अब जो राक्षस है और रोना है वो एक ही कंपाउंड में आ गया ना, सो ये Na है, Cl भाग जाएगा और क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, पांच एटम का रिंग बनेगा। सो यू विल गेट अ कंपाउंड समथिंग लाइक दिस, इसको बोलते हैं क्या? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो इस तरीके का क्वेश्चन विलियमसन सिंथेसिस में पूछ सकते हैं। और क्या याद रखना है? विलियमसन जो है वो SN2 रिएक्शन है। कौन है? SN2। इसीलिए जो RX है वो क्या होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए, 3
थ्री डिग्री अगर ले लोगे, अगर आपने RX को 3 डिग्री ले लिया तो वो सब्सटीट्यूशन नहीं, वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा फिर. ऑलवेज रिमेंबर विलियमसन सिंथेसिस में आपको RX क्या लेना है, 1 डिग्री लेना है. डन. सो ये थे तीन रिएक्शन, तीनों के ट्रिक्स मैंने बता दिए. लास्ट में कुछ और रिएक्शन बचे हैं, आप इसको नोट डाउन करें पहले. अब फटाफट एक सिंपल रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं. फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन है, किसका करेंगे, बट किसका करेंगे, एनिसोल का करेंगे, OCS3. हम ईथर्स के रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. तो फटाफट कोई भी अल्काइलेशन कर लेते हैं. लेट्स से हम कर लेते हैं मिथाइलेशन, CH3Cl. सो व्हाट हैपेंस, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये जो OCS3 है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थ्रू रेजोनेंस. तो ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. तो ये जो CH3 है, ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, या Cl प्लस एंड CH3 प्लस. तो ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है, ये ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा. तो OCH3 यहाँ पे ऑर्थो पे क्या चला गया, CH3 प्लस. दूसरा कहाँ पे जाएगा, पैरा के ऊपर जाएगा OCH3 प्लस. वाई प्रोडक्ट क्या आएगा, 2HCl. यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 2, और यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 2. और फ्रिडलक्राफ्ट जब भी आता है तो एरो के ऊपर क्या आता है, एनहाइड्रस AlCl3. 2 मिथाइल एनिसोल बोल सकते हो, इसको 4 मिथाइल एनिसोल बोल सकते हो. दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस, भीड़भाड़ कम है. एक फटाफट डिस्कस कर लेते हैं फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन. नाउ इसमें बच्चे मार खा जाते हैं, ये ऊपर वाला तो इजी है. इसमें क्या गड़बड़ होता है मैं आपको बताता हूँ. अगर मैं बोलू, मैं आपको दे देता हूँ CH3, C डबल बॉन्ड टू Cl, Al, एनहाइड्रस AlCl3. सो ये कैसे ब्रेक डाउन होता है, ये ऐसे ब्रेक डाउन होता है, Cl माइनस और क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड ओ प्लस. सो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल नाउ. बट गलती क्या करता है बच्चे, और बहुत ही एकदम सिल्ली सा मिस्टेक है वैसे, ये जो बाजू में CH3 दिख रहा है ना, इसी को अटैच कर देते हैं. अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बुद्धू सा मिस्टेक है वैसे. जहां से ब्रेक हुआ है बॉन्ड, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो उसको अटैच करो, C डबल बॉन्ड ओ CH3 हो गया ना एसिटाइल ग्रुप. तो वैसे ही आपको पैरा का भी प्रोडक्ट मिलेगा जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, बराबर. तो इसको ऑर्थो एसिटाइल एनिसोल भी आप बोल सकते हो, या इस तरीके से बोल सकते हो. 2 पे क्या है, मिथॉक्सी, 2-methoxy एसिटोफिनोन, दिस कैन बी द नेम. क्या बोला मैंने, 2-methoxy एसिटोफिनोन, और यहाँ पे क्या है, 4-methoxy एसिटोफिनोन. डन. तो फ्रिडलक्राफ्ट लास्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंट्रेंस के लिए, अच्छे से देखिएगा, इसको नोट डाउन करो. अब लास्ट रिएक्शन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. नाउ ये बेसिकली विसिनल डायोल का रीअरेंजमेंट है. विसिनल मतलब नेबरिंग ग्रुप, नेबरिंग कार्बन. सो यहाँ पे 2 कार्बन ले लेते हैं, सबके ऊपर CH3 है, और यहाँ पे ले लेते हैं OH. तो क्या ये विसिनल डायोल है, है. तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पिनाकोल बोलते हैं. इसका नाम क्या है, पिनाकोल. दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल. आप इसमें कोई भी एसिड डाल दीजिए, डाइल्यूट H2SO4 डाल सकते हो, राइट, डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड डाल सकते हो, कोई भी. H प्लस होना चाहिए यहाँ पे सिर्फ. सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पर आपको देखो H प्लस जो है वो OH के पास आ जाएगा और ये वाटर बन जाएगा, वेरी गुड लिविंग ग्रुप. तो आपको मिलेगा CH3 CCH3 OH, यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH3, और ये कार्बोकैटायन बनेगा. तो पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. नाउ आपको पता है जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होने के चांसेस है. अगर एक CH3 यहाँ पर आया तो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ना, 4 डिग्री हो जाएगा वो, है ना. तो मिथाइल शिफ्ट होता है यहाँ पे, तो मिथाइल शिफ्ट होने से क्या हो जाएगा, CH3COH इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और ये बाजू वाला कार्बन तो खुश हो जाएगा. अब यहाँ पर डबल बॉन्ड कैसे आया, ये हाइड्रोजन जो है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके भाग जाता है. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ डबल बॉन्ड O. तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलता है. तो जो H प्लस पहले एंटर हुआ था वो वापस से H प्लस बाहर निकल गया. बस समझ में आ गए. तो ये तो बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है. अगर ऐसा कुछ आया CH3 CPH CPH CH3 OH OH, और एरो के ऊपर दिया H प्लस, तो अभी रीअरेंजमेंट कैसे होगा. अब कार्बोकैटायन कहाँ पे बनेगा तो ज़्यादा स्टेबल है, द आंसर इज सर कहीं पे भी बनाओ, क्योंकि पीएच और CH3 है, पीएच और CH3, फिनाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप है, कहीं पे भी बनाओ. तो सेम उसी की तरह कर लेता है, CH3 CPH OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CPH CH3. डन, ये कार्बोकैटायन बन गया. अब यहाँ पे धर्म संकट क्या है कि सर मैं CH3 को शिफ्ट कर रहा हूँ कि पीएच को शिफ्ट कर रहा हूँ.
राइट नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आ जाता है माइग्रेशन. तो याद रखो सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन, और उसके बाद में अराइल, और उसके बाद में लास्ट में आता है अल्काइल. क्योंकि हाइड्रोजन एक छोटा सा एटम है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा. यहाँ पे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव को तुरंत इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हाइड्रोजन के बाद क्या, अराइल, अराइल के बाद क्या, अल्काइल. तो अराइल, पी एच इज अराइल, राइट. तो यहाँ पे पी एच माइग्रेट करेगा, तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी पी एच सी एच थ्री पी एच. बात समझ में आ गई. तो पहले आपको कार्बोकैटायन बनाना है, फिर माइग्रेशन करवाना है. चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फटाफट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. सी एच थ्री सी एच सी एच, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ओ एच एच, और यहाँ पे ओ एच ले लेते हैं. अब आप बताइए कि कार्बोकैटायन कहाँ पे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. लेफ्ट हैंड साइड में कार्बोकैटायन बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा ना. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा. बात समझ में आ गई. अब यहाँ पे प्लस है तो वहाँ से क्या माइग्रेट करेगा, एच माइग्रेट करेगा ना. तो क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O H. बात समझ में आ गई. तो पहले आपको देखना है कि कार्बोकैटायन कहाँ पर बनेगा. यहाँ पे क्यों बना है, क्योंकि सी एच थ्री है ना, तो ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा. यू हैव टू चेक कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ पर बन रहा है, उसी को आपको बनाना है. तो ये OH निकल के यहाँ पे प्लस है, और वहाँ से H ने माइग्रेट किया. डन. तो पिनाकोल, पिनाकोल और रीअरेंजमेंट का मैंने एकदम डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल्स लेके मैंने एक्सप्लेन किया है. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस प्लेलिस्ट का, नेम रिएक्शन के प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाके देखिएगा. पिनाकोल, पिनाकोलोन, परकिन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमावाइड, इन सबको मैंने डिटेल में किया, आपको मजा आ जाएगा. इनफैक्ट अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो वो सब नेम रिएक्शन तो आपको देखना ही है. Done. So guys, this was all about name reactions of alcohols, phenols and ethers. I hope you liked it. Pasand aaya to video ko like karo, share karo, subscribe karo. Milte hain very soon in the next video. Bye bye.